आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्य सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना ने कहा है कि नाविका सागर परिक्रमा का दूसरा संस्करण एक असाधारण जल यात्रा मिशन 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख ने नई दिल्ली में की है। बता दें कि भारतीय नौसेना नौकायन पोत यानी कि INSV तारिणी 2 अक्टूबर को दो साहसी महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए के साथ इस चुनौतीपूर्ण अभियान पर निकलेगी। ऐतिहासिक यात्रा को INS मंडोवी गोवा में नौसेना महासागर नौकायन नोड से रवाना किया जाएगा। इस असाधारण अभियान में अधिकारी INSV तारिणी पर सवार होकर 8 महीनों में 21,600 से अधिक समुद्र मील की दूरी तय करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाएंगी। यह मिशन 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू होगा और नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा जो इन अधिकारियों की ताकत कौशल और संकल्प को प्रदर्शित करता है। यात्रा के दौरान वे पृथ्वी के कुछ सबसे खतरनाक जल क्षेत्रों जैसे कि खतरनाक कैप हॉर्न और 3 महान केप से गुजरेंगी। ये महिलाएं मानव सहन शक्ति की सीमाओं को लांघते हुए एक असाधारण साहसिक समुद्री यात्रा को अंजाम देंगी। तो चलिए फिलहाल यहां पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।